सलामकुम जी, ये फहद मुस्तफा साहब का क्लिप है, इसको जरा मुलायजा कीजिए आप। शोएब बदतमीजी नहीं चाहिए, इसको हटाएं। हटो भाई, मैं नहीं हटूंगा। तो फिर अब कैसे स्पीड में होगा? ओके, एक दो तीन और। चीटिंग? नो इट्स नॉट। अच्छा, सना चीटिंग कर रही है, इसलिए आप लोग फैसला करें, अकड़ पकड़ कर ले। ये फहद मुस्तफा साहब है जो के इतने मुनाफिक, हिपोक्रेट और डिप्लोमेट आदमी है, जो स्क्रीन पर बैठकर भाषण देते हैं लोगों को कि वो लोग अपनी फैमिलियां बेचते हैं, अपनी फैमिलियां दिखाकर पैसे कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं, तो मैं तो नहीं ये कर सकता। आपको इनका ये बयान याद होगा। नईम हनीफ साहब हैं साबिक ब्यूरो चीफ ARY न्यूज़ के, जो कि अब समा न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं। ये उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। नईम हनीफ कहते हैं कि सना जावेद और शुएब मलिक पिछले 3 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, और सना जावेद उस वक्त उमेर जसवाल, जिन्होंने कोक स्टूडियो का गाना गाया था, वो उनके निकाह में थी, उनकी शादी में थी। और इसी तरीके से शुएब मलिक जो है एक बच्चे का बाप था, और सानिया मिर्जा का वो शरीके हयात था, और इसी दौरान ये सारा मामला जो है वो चलता रहा। नईम साहब शोबिज के मंझे हुए रिपोर्टर हैं, और वो ये कहते हैं कि शुएब मलिक की ये शर्त होती थी किसी भी शो में जाने के लिए कि मेरे साथ अगर सना जावेद वहां पर मौजूद होगी तो फिर ही मैं किसी शो का हिस्सा बनूंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनूंगा। इधर आप देखिए, वो बात साबित होती भी नजर आ रही है। फहद मुस्तफा ने रिश्ते करवाने वाली माई का किरदार तो अदा किया ही किया है। ये किस मुंह से ये लोग जो है ये आकर बातें करते हैं? आपने प्री प्लान्ड तरीके से इन दोनों को अपने शो में रखा, और ना सिर्फ रखा, वो शादीशुदा एक कपल था जो सना जावेद और उमेर जसवाल की सूरत में था। आपको तो चाहिए था, अगर आप अपने शो में सना जावेद को बुला रहे हैं तो उसके पार्टनर को बुलाएं, उसके शरीके हयात को बुलाएं जो उसके साथ निकाह में है, ना कि आप उसको बुलाएं जिसके साथ आपने अपने शो में उसकी सेटिंग करवाई, और सारा पाकिस्तान आप पर मीम्स बना रहा है, आपको रिश्ते करवाने वाली माई कह रहा है। एक ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ये एक अच्छी मोहब्बत की रिवायत कायम हुई थी, इन लोगों ने शादी की थी। शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा के साथ ज्यादती की है, कोई हंगामा नहीं, कोई इल्जाम तराशी नहीं, कोई करेक्टर असैसिनेशन नहीं, उसने अपना बच्चा लिया और साइड पर हो गई। पूरे इंडिया के साथ वो लड़ी, लेकिन उसने इस पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी की। पूरा इंडिया इस वक्त सानिया की ट्रोलिंग कर रहा है कि तुम यही डिजर्व करती थी, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, लेकिन एट द एंड औरत को ही सफर करना पड़ता है। ये बुशरा अंसारी साहिबा का भी मैं एक क्लिप देख रहा था, और 2-4 एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अजीबो गरीब स्टेटस लगाए हुए हैं और इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहे। आप क्यों नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर गुफ्तगू कर रहे? इसीलिए कि इस फप्पे कुटड़ी ने आपको अपने शो में बुलाना है और आपको पैसे देने हैं और आपको थोड़ी सी शोहरत देनी है। अपना कोई अखलाकी जुरत का मुजाहरा करें, बोले इस इशू पर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से 2 घर उजड़े हैं। सेलिब्रिटीज वैसे तो बहुत बातें करती हैं, यहां पर करें ना बात। नईम हनीफ साहब ये भी कहते हैं कि जब इनकी चीटिंग हो रही थी तो उसी दौरान सानिया ने शुएब मलिक की फैमिली से बात की। शुएब मलिक साहब की फैमिली दुबई गई, इन्होंने सानिया से बात की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रास्ता ना निकला, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर इंटरेस्टेड हो चुका था उस खातून में। और इसका सारा का सारा जिम्मेदार फहद मुस्तफा साहब, ये आप और ये आपका शो है। शर्म आनी चाहिए कि आप जब स्क्रीन पर आकर व्लॉगर्स को बातें करते हैं, उनकी फैमिलियों पर पहुंचते हैं, तो आप दूसरों की फैमिलियों के उनके हंसते बसते घरों को उजाड़ रहे हैं। उस बच्चे का क्या बनेगा जिसके माँ बाप एक दूसरे से जुदा हो गए हैं? सुमेर जसवाल का क्या बनेगा कि जिसकी शादी सना जावेद से हुई है वो उसके निकाह में है? क्यों लड़कों को वहां पर बुलाते हैं? और फुफ्फो को बुलाओ, बाजी को बुलाओ, कौन सी बहन बुलाओ, आप तरह तरह के वहां पर नारे लगाते हैं, तो तब आपको शर्म नहीं आती? तब आप किसी की फैमिलियां नहीं बेच रहे होते? इन्हीं की वजह से इन 4 लोगों की जिंदगियां खराब हुई हैं। घर उजड़ा है तो उमेर जसवाल का उजड़ा है, ये घर उजड़ा है तो सानिया मिर्जा का उजड़ा है, ये सुकून तबाह हुआ है तो उस बच्चे का हुआ है जिसको ना माँ का मुकम्मल प्यार मिल सकेगा ना बाप का। और क्लिप है शुएब मलिक साहब का जो कि आप सुन सकते हैं। बंदियां वैसे ही ठा करके लगती हैं। वो ठीक है, 5 लड़कियों के नाम बताएं। वो 5 नहीं, मैं 500 हैं। क्या सानिया की तलाक के बाद कोई बंदा किसी पाकिस्तानी पर यकीन करेगा? क्या किसी इस तरह के नाम निहाद होस्ट की बातों पर यकीन किया जाएगा? अभी पूरे पाकिस्तान में आपको कोई एक ऐसा अच्छा फैमिली ओरिएंटेड बंदा नहीं मिला जिसको आप अपने शो में बुलाएं। आपने बस लोगों के जो मुआशके हैं
उनको वहां पर सेटिंग करवानी है, लोगों के हंसते बसते घरों को उजाड़ना है, बच्चों को बाप से दूर करना है, के बाद जब किसी ने आपको बुला लेना है और आपने शो में जाकर सिर्फ एक ही बात करनी है, नहीं जी मैं अपनी फैमिली नहीं बेच सकता और मैं इस तरह से नहीं कर सकता। इनके कोलो फेल में इतना ज्यादा तुजाद है, खुद ये प्लानिंगें करके शोज बनाते हैं और शोज बनाने के बाद लोगों के हंसते बसते घरों को उजाड़ते हैं, खुद एक पब्लिक फिगर बनकर लोगों की फैमिलियों पर बात करते हैं, जी उन्होंने अपनी फैमिलियां दिखाते हैं और डॉलर कमाते हैं, मैं नहीं कमा सकता। अब क्यों क्या जरूरत है अपनी फैमिली दिखाने की, आप लोगों की दिखाकर जो कमा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप जैसे डिप्लोमेट और हिपोक्रेट आदमी।